महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू कस्बे की ये एक छोटी सी दुकान है जिस पर जाकर हमारी नजर ठहर गई थी। इस दुकान में मौजूद हर चीज इतनी खूबसूरत है कि आप अपने घर में ले जाना चाहें। इन चीजों को देखते हुए आपके मन में अपने घर का ड्राइंग रूम, बेडरूम, खिड़की, दरवाजे, आले, मुंडे सब घूमने लगता है और आप मन ही मन इस दुकान में मौजूद सामान में से अलग अलग चीजों को अपने घर के अलग अलग हिस्सों में सजाकर देखने लगते हैं। मैं भी तो यही सोच रही थी, ये तारपा तो ड्राइंग रूम में ही जचेगा, दोस्त आएंगे देखेंगे तो मेरे पास कितनी सुंदर कहानी होगी बताने के लिए। मैं उनको सुनाऊंगी तारपा की धुन पर कितना सुंदर नाच होता है और मुझे आदिवासी गांव में ये जीवन देखने का मौका मिला था। और ये वार्ली पेंटिंग बनाते आदिवासियों का मॉडल तो बेहद खास है, इसे तो बेडरूम में ही रखूंगी। इस दुकान में मौजूद हर सामान पर आपको एक बेहद खास छाप नजर आएगी, वो छाप है वार्ली पेंटिंग की, यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति की। एक जमाना था कि जब वार्ली पेंटिंग आपको इस इलाके के आदिवासियों के घरों की कच्ची दीवारों पर मिलती थी, लेकिन आज वार्ली पेंटिंग दुनिया भर में अपना नाम बना चुकी है। पर क्या वार्ली पेंटिंग के भरोसे आदिवासी कलाकार अपना घर चला सकते हैं? क्या उन्हें जरूरी समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है? क्या है पूरी स्थिति? यहाँ के कई गाँवों में हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन आज इस दुकान की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल ये दुकान आदिवासी कलाकारों को मदद करने का एक प्रयास है। इसे आदिवासी युवा सेवा संघ यानी आयुष चलाता है। इस दुकान पर हमारी मुलाकात हुई पूनम से। पूनम जोहार, जिंदगी में आपका स्वागत है। इस इलाके में हम काफी दिनों से घूम रहे हैं और वार्ली चित्रकारी भी देखी, वार्ली जो चित्रकार हुए हैं उनसे भी हम मिले, पर जहाँ पे भी हम गए हैं वो एक ही चीज बार बार सामने आ रही है कि ये जो चित्रकारी है ये लोग इसको बचा के नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना घर भी चलाना है और उन्हें ये लगता है कि इससे ज्यादा पैसा तो मिलता नहीं है। एक चित्रकार को काफी वक्त देना पड़ता है इस तरह से एक पेंटिंग बनाने में या लकड़ी का काम करते हुए। वो अगर पूरा टाइम नौकरी करे तो इस आर्ट के लिए उसके पास समय नहीं बचता है। आपका संगठन एक ऐसा संगठन है जो इन चित्रकारों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके ये काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये संगठन पूनम कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली मैं समन्वयक हूँ, मेरा नाम पूनम सवरे है और ये जो संगठन है वो अभी 14 साल से काम कर रहे हैं इस विषय पे। पहले तो जो सचिन सातवी थे और उनके साथी थे सुनील पराड और एक राउत, ऐसे उनका एक ग्रुप था जो आश्रम स्कूल में पढ़े और आगे जाके कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नहीं हम तो कर रहे हैं, हम तो ये लेवल पे आ चुके हैं, लेकिन जो हमारा पिछड़ा समाज है उसको हम कैसे आगे लाएंगे। तो उन्होंने एक सामाजिक कार्य के रूप में ये संगठन की स्थापना की, आदिवासी युवा सेवा संघ, और इसको आगे चलाने के लिए करियर गाइडेंस से स्टार्ट किया। और तभी वो चलते चलते एक इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने एक वार्ली पेंटिंग रखी थी ऑर्किड पे, तभी ऑर्किड चलता था सोशल मीडिया पे, तो उनको एक नोटिस आया कि ये तो हमारी पेंटिंग है, आपने कैसे यूज की। और आश्चर्य की बात ये थी कि वो बाहर देश से आई थी नोटिस। अच्छा। तो वो तो सोच में पड़ गए कि नहीं ये तो हमारा कल्चर है जो हम लोग बनाते हैं पेंटिंग, तो ये बाहर से नोटिस हम लोगों को कैसे आई। तो तभी उनके ध्यान में आया कि अभी वार्ली पेंटिंग जो है वो जग प्रसिद्ध हो रही है और लोग उसको कॉपी भी कर रहे हैं और उसके बारे में ज़्यादा जागृति भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं चलो इसी विषय को पकड़ते हुए हम हमारे समाज में जो वार्ली पेंटिंग कर रहे हैं उनको कैसे हम आगे लाएंगे और उनको कैसे उस रूप में रोजगार भी दिया जाएगा और हमारी वार्ली पेंटिंग जो है वो भी हम कैसे जतन कर पाएंगे, मतलब वो भी बचे रहे और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी रोजगार मिले। इसलिए उन्होंने काम स्टार्ट किया और पहले तो अनऑर्गेनाइज स्टार्ट किया था
और बाद में उन्होंने 2011 को ये आदिवासी युवा सेवा संघ रजिस्टर किया संस्था के रूप में। और हमने जो नोटिस किया था कि नहीं, वारली पेंटिंग बहुत कॉपी हो रहा है और उसमें बहुत आगे का सोचे तो बहुत कुछ हमें ध्यान में आएगा कि और लोग कॉपी तो कर ही रहे हैं लेकिन उसका फायदा भी ले रहे हैं रोजगार के रूप में। तो कैसे हम जो एक्चुअली करने वाले हैं वारली पेंटिंग उनको कैसे हम फायदा दिला सके, इसलिए हमने जीआई रजिस्टर किया। और अच्छा, मतलब वारली पेंटिंग आज की तारीख में जीआई टैग उनको मिल चुका है। हाँ, किस साल से जीआई टैग मिला? 2011 को हमें आदिवासी युवा सेवा संघ ये संस्था के नाम पे मिल चुका है। और हमारा पालघर जिला और पालघर जिले के जो बॉर्डर है जहाँ पे वारली पेंटिंग एक्चुअली होती है आदिवासी समाज में, वो आदिवासी समाज के लोगों को ये टैग मिला है और हम लोग उनको वो फायदा भी दे रहे हैं। तो ये जो जीआई टैग मिलने के बाद अब हमने देखा कि वाली पेंटिंग जो है ज्यादातर वाली जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अपने घरों के दीवारों पे ये चित्रकारी करते हैं, आंगन में हो, सजाने के लिए हो। अब ये जो पेंटिंग है इसको आप आम जनता तक पहुंचाएं, ऐसे कौन से चीजें आपने बनाई हैं ताकि आम जनता इसको खरीद पाए, सजा पाए अपने घर में, से क्या 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 चीजें आपने बनाया है? हाँ, आपने जैसे बताया कि आपने देखा होगा कि वारली पेंटिंग ये जो है, जो ट्रेडिशनल फर्स्ट पेंटिंग जो होती है, चौक बोलते हैं इसको, जो शादी में की जाती है, वो सवासीन बनाते हैं। तो यहाँ से और ऐसे कुछ चीजें हैं हमारे कल्चर में जहाँ से वारली पेंटिंग आई है। तो वो पहले तो हमने देखा कि कुछ आर्टिस्ट ने कैनवास पे स्टार्ट किया। लेकिन ओनली कैनवास पे हम लोग सोच रहे हैं कि कैनवास हर कोई नहीं खरीद पाता और हर घर में भी नहीं जा पाती और सिर्फ इसमें ही हम रोजगार नहीं दे सकते लोगों को, इसलिए हम लोग अलग अलग चीजें भी बनाना ट्राई कर रहे हैं। जैसे ये टिश्यू स्टैंड है, इस पे भी वारली पेंटिंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत बनाया है। और ये लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घर में टिश्यूज रखें तो अच्छा भी लगेगा। और हमारे पास कोस्टर भी है, ये देखिएगा। अरे वाह, ये बहुत सुंदर है। ऐसे अलग अलग चीजें अभी तो इसमें चाय का कप रखने से ऐसा मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है ताकि ये निकल ना जाए? नहीं, उसमें वार्निश लगा है। अच्छा, वार्निश की कोटिंग है जिससे हम अगर पानी भी लग जाए इसे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, और क्या चीजें ऐसी आप दिखा रहे हैं? अभी हम रिसेंटली ट्राई कर रहे हैं ज्वेलरी पे कैसे काम किया जाए, तो हम ज्वेलरी भी बना रहे हैं। हार है, हम देख सकते हैं ये इसमें वारली चित्रकारी भी बनी हुई है और ये लकड़ी का है। और ये बीड्स किस चीज के हैं? ये वुडन के है। अच्छा, ये पूरा ही पूरा वुडन लकड़ी से बना है और बहुत ही सुंदर, आजकल के काफी फैशनेबल भी है। तो आप आज का समाज जो खरीदना चाहता है वो देख के आपने ये सामान बनवाया है ताकि आम लोग इसको खरीद सके और उसके माध्यम से हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। और कुछ जैसे साड़ी पे भी हमने देखा है, कुछ ऐसा भी है आपके पास? आप क्या साड़ी पेंट करवाते हैं? हाँ, एक्चुअली साड़ी पेंटिंग का काम हमने स्टार्ट किया। पहले तो हमने हाथ से हैंड पेंटिंग की, तो देखा, ट्राई किया कि हैंड पेंटेड साड़ी है वो बहुत महंगी बिक रही है और कोई खरीद नहीं पा रहा। अच्छा। तो उसको ऑप्शन क्या लिया जाए, तो हमने सुना कि ब्लॉक प्रिंटिंग भी एक ऑप्शन है। तो पहले हमने हमारे आर्टिस्ट से डिजाइन बनवा ली और बाद में ये साड़ी है। ये हैंड पेंटेड नहीं है, ये हैंड पेंट करने के बाद में ब्लॉक प्रिंट करवाया है। अच्छा, ये सिल्क का कपड़ा है। अच्छा, ये जो पूरा चित्रकारी आप देख सकते हैं, ये पूरे वारली पेंटिंग जो हमने आपको पहले दिखाया था कि कैसे वारली चित्रकार जो है अपने घर के आंगन में दीवारों पे ये वारली पेंटिंग करते हैं, और वही पेंटिंग हम देख रहे हैं साड़ी के ऊपर इन्होंने प्रिंट करवाया है। और साड़ी के सिल्क के साड़ी है और जैसे ये पेंट प्रिंटिंग होती है इसका पैसा भी ज्यादा मिलता है, जो वाली चित्रकार जो है उसको जाता है ताकि वो अपना घर अच्छी तरह से चला पाए।
इसके अलावा और क्या चीजें हैं? इसके अलावा हम बैग्स भी ट्राई कर रहे हैं, जो डेली यूज की जितनी भी चीजें हैं, और वो करते हुए एक हम ध्यान देते हैं कि हमारे कल्चर का अपमान भी ना हो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे कल्चर में आप देख सकते हैं कि जो पेंटिंग है वो सिर्फ एक मतलब जीवन जगने का जो तरीका है ट्रैवल लोगों का, वो पेंटिंग तो होती है लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें भी है जिसकी एक मान रहता है हमारे समाज में, तो वो चीजें ना आए हमारे ये चीजें के, क्योंकि उनके अगर अपमान हो तो हम बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल, कर सकते। एक चित्रकार सबसे ज्यादा ध्यान रखता है उसके अपने चित्रकारी जो कर रहा है उसके मान रहे, क्योंकि वो ये खुद से कर रहा है। और ये बहुत सुंदर बैग है, ये जूट बैग है, जूट बैग है, जूट पे आपने किया है। एक्चुअली हम जूट और कॉटन ही ज्यादा यूज करते हैं, जो नेचुरल चीजें हैं उन पे ही ध्यान देते हैं। अच्छा, ये भी है और ये टिफिन बैग है। अच्छा, ये टिफिन बैग, टिफिन बैग है। और ये पेंटिंग क्या फैब्रिक पेंट से किया गया? हाँ, ये फैब्रिक कलर से किया है कि वो निकलेगा नहीं बाहर। बहुत सुंदर, बहुत। और ये बताइए, ये जो पैसा एक जैसे आपने साड़ी हो या ये बैग हो या जो भी सामान आप बेचते हैं, किस हिसाब से उनको पैसा मिलता है? अभी तो एक्चुअली अभी हमारा ये स्टार्टिंग है, 2019 से हमने आयुष वारली पेंटिंग क्लस्टर स्टार्ट किया। उसके पहले तो इंडिविजुअल ही आर्टिस्ट काम करते थे, हम सिर्फ उनको चांस दिलाते थे एग्जीबिशन में, किधर एग्जीबिशन हो तो उनको ले जाना, या फिर कोई टूरिस्ट आता है तो उनको कॉन्टेक्ट करवाना, ये सारी चीजें हम लोग करते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि चीजें ला रहे हैं मार्केट से जिसपे हम वार्ली पेंट कर सकते और उनको भी काम मिलेगा और वो चीजें मार्केट में जाएगी। ये बैग आप दिखा रही हैं, ये जूट का बैग है और इस पे जो है वार्ली पेंटिंग की हुई है, तो इसकी कीमत कितनी हो सकती है? ये जूट बैग हमने मार्केट से खरीदा है तो इसके पेंटिंग जो है उसकी कॉस्ट वो आर्टिस्ट को जाएगी, तो इस एक बैग का 40 रुपीज मिलता है। 40 रुपीज, तो ये 40 रुपया पूरा जो है उस आर्टिस्ट को जाएगा। अच्छा, और ऐसे कई सारे बैग्स आप उनसे बनवाते हैं, तो ये महीने के हिसाब से इनको पेमेंट जाता है? नहीं, हर एक चीज के ऊपर जाता है। अगर एक बैग बनाएंगे तो 40 रुपीज जाएगा, वही वो अगर 50 बनाते हैं तो 50 बैग का पेमेंट उनको जाएगा। तो मतलब जितना काम वो करते हैं उसका पूरा दाम उन चित्रकारों को जाता है। ये संगठन ये देखता है कि जो चित्रकार इस काम से जुड़े हुए हैं वो पूरा पैसा उनको मिले, कोई ऐसा पैसा बिचौली ना लेके जाए ताकि वो चित्रकार को पूरा पैसा ना मिल पाए। उसके अलावा हम अभी ये भी जो कैनवास पेंटिंग था वो फ्रेम करके भी डिमांड है मार्केट में, तो वो भी करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें जो पेंटिंग है बारीक की हुई है, ट्रेडिशनल। मतलब ये दिखा रहे हैं कि मछली पकड़ रहे हैं। हाँ, और ये जाल है और मछलियां दिख रही हैं। और पूरे चित्र में आप देख सकते हैं कि जो वारली आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके जिंदगी कैसे चलती है पूरी तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मछुआरा है जो जाल लगाए हुए पानी में मछलियां हैं, यहाँ पे जो है अपना काम कोई कर रही हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं खेत का काम जैसे कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें इस पेंटिंग में दिखाई जाती है। तो ये सारी पेंटिंग हमने देखा है कि देश से बाहर भी जाए, क्योंकि वारली पेंटिंग अब जो है देश में तो है ही मशहूर, बाहर भी, देश के बाहर भी काफी मशहूर हो रहा है। तो क्या ये आपको बाहर से भी कुछ ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा होगा? अभी तो नहीं मिल रहे हैं, अभी हम कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कैसे करें, इसलिए हम अलग अलग एजेंसी से कांटेक्ट भी कर रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम क्या है, फंडिंग जो फंड है, क्योंकि 2019 को हमें क्लस्टर के रूप में आदिवासी विकास विभाग का एक फंड आया था, लेकिन बैड लक हमारा ये था कि वो कोरोना के टाइम पे ही हम कोरोना से काफी चीजें और हमारा ये फंड बंद हो चुका है एक साल बाद। तो अभी हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे 3 ब्रांच थे, एक ब्रांच तो हमने कम कर दी, अभी 2 ही चालू है, ये डहानू स्टेशन का और एक अंदर हैपे वाला है महालक्ष्मी करके।
तो वहाँ दो शॉप चालू है अभी हमारे, और हमारा स्टाफ भी पहले 8 का था, वो भी 6 स्टाफ कम कर दिया, अभी 2 ही स्टाफ है। तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये मतलब ये टाइम पे हम काम बहुत कम दे पा रहे हैं। तो हम सोच देख रहे हैं कि और कैसे किया जाए, ट्राई कर रहे हैं। चलिए पूनम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप जैसे लोग इस काम के साथ जो जुड़े हुए हैं, वार्ली चित्रकार और चित्रकारी को जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, ये देख के सच में अच्छा लगा। क्योंकि इतना सुंदर एक काम अगर लुप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, सच में दुख की बात होगी, और इनसे चित्रकार जो जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी भी चलती रहे, यही हम आशा करते हैं। Thank you.